झारक्राफ्ट के जरिए कंबल खरीद में 18 करोड़ की अनियमितता की जांच को लेकर एसीबी रेस है। ऐसे में बीते सप्ताह एसीबी को इस मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दी गई है। आपको बताया मंत्रिमंडल निगरानी और सचिवालय विभाग ने दी है अनुमति। मिलने के बाद एसीबी ने इस मामले में झारक्राफ्ट की तत्कालीन सीईओ रेणु गोपीनाथ पणिकर और डीजेएम मोहम्मद नसीम अख्तर और मुख्य वित्त पदाधिकारी अशोक ठाकुर के खिलाफ पी दर्ज की गई थी। और आपको ये भी बताएं कि एसीबी अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में एजेंसी ने खरीद संबंधित सारे कागजात की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कागजात की पड़ताल के बाद आरोपी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उद्योग विभाग ने इस मामले में एसीबी से जांच कराने की अनुशंसा की थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में रघुवर सरकार ने सर्दियों के मौसम में कंबल वितरण के लिए 9 लाख कंबल बनाने का ऑर्डर झारक्राफ्ट को दिया था, लेकिन झारक्राफ्ट ने पानीपत से कंबलों की खरीद की जिसमें 18 करोड़ की अनियमितता सामने आई।